देख रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है, कितनी बहाली हो रही है, कितना अपॉइंटमेंट हो रहा है। हम तो घोषित किए थे ना जी, अपने एक फायदे के लिए काम किया गया है, ये मैसेज लोगों में गया है, जिसके कारण इतनी बड़ी बहाली होने के बावजूद भी सरकार को इसका क्रेडिट नहीं मिल पा रहा। कोई आप चाहिएगा अभी तो पब्लिसिटी दे पाइएगा, क्योंकि आप पर कब्जा दूसरा ना जी, अगर जरा भी बालिएगा जरा भी दीजिएगा तो आपको खबर आ जाएगा, बंद करो उसको, इसे छोड़िए ना। नए कितने लोगों को नौकरी मिला, कितने बेरोजगार बिहारियों को नौकरी मिला, लोग जो है फ्रस्ट्रेट थे, लोगों को मौका नहीं मिला यहाँ के लोगों को परीक्षा देने का। इतना बड़ा बहाली निकाले आप, लेकिन बहुत सारे लोग बेरोजगार के बेरोजगार रह गए इसमें, डिग्री होने के बावजूद भी। ये नहीं लग रहा है कि ये चुनाव में जो है ये वोट के रूप में आ पाएगा। एक लहर जो बनना होता है ना, नौकरी देने वाला सरकार जो कहा जाता है, वैसा बात निकल के नहीं आ पा रहा। जो बिहार में आयोगों का इतिहास रहा है ना, जो कलंकित रहा है आयोगों का, यहाँ भर्ती एजेंसियों का इतिहास, उसे धोने में इतना आसानी अभी नहीं हो, उसमें धोने में समय लगे। ये बात नीतीश कुमार को समझ नहीं आ रही है। आप तो इतना फ्रस्ट्रेटेड है, मीडिया पे गुस्सा निकाल दे रहे हैं, इस पर नीतीश कुमार को कुछ करना चाहिए। आप क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं, आप आंसर की नहीं जारी करते हैं, आप प्राप्तांक नहीं बताते हैं, आप आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं। जब कुछ आप दीजिएगा ही नहीं, तो यूपी के छात्र जो है, झारखंड के छात्र, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के छात्र, बिहारी छात्रों की संख्या में कम नहीं है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद आज पहली बार नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए। कई तरह की बातें उनके द्वारा कही गई। 25 दिसंबर की तारीख है, 99 जयंती पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई जा रही है, और नीतीश कुमार ने उनको फिर से याद किया। कई बातें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कहा, सम्मान जताया, प्रेम दिखाया, स्नेह दिखाया। लेकिन इन सबके बीच एक बात जो रिमार्केबल है, जिस पर मतलब चर्चा होनी चाहिए, वो ये है कि बिहार में जिस 10 लाख नौकरी और बहाली की बात ये सरकार महागठबंधन की करती रही है, उसको लेकर नीतीश कुमार ने हिंट दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि लगभग हम आधी बहाली पूरी कर चुके हैं, आधी बहाली मतलब 5 लाख के आसपास यह आंकड़ा पहुंचा। हालांकि ये अलग चर्चा का विषय है कि कितना हुआ, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लगभग आधा हम कर चुके हैं, लेकिन मीडिया इसका श्रेय नहीं दे रही है। और एक और खबर है कि आप आम जन से भी अगर बात कीजिए, और खासकर जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वे लोग भी ये बात कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक असंतुष्टि जरूर है। अब इसके दो एंगल हो सकते हैं। पहला तो ये कि मीडिया इस खबर को प्रचार प्रसार नहीं कर रही है, जैसा नीतीश कुमार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के दबाव में सारी मीडिया है और इसको नहीं छाप रही है। दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव को ज्यादा श्रेय मिल रहा हो, जेडीयू को कम मिल रहा हो, यह भी एक चर्चा का विषय है। इस प्रॉपर बीट के जो हमारे सीनियर रिपोर्टर है आदेश पुरी, इनसे हम चर्चा करेंगे इस मसले पर। आदेश जी, आपने भी देखा नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया को, नीतीश कुमार किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, क्या लग रहा है? फिर से एक बार उन्होंने मीडिया पर ही सारा मतलब श्रेय दे दिया कि भाई मीडिया जो है वही नहीं छाप रहा है, वही नहीं दिखाना चाहता है कि हम लोग कितना बहाली ला रहे हैं। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जेडीयू के अंदर जो हमारे सोर्स हैं, उनका कहना है कि इस पर काफी मंथन हो रहा है। अच्छा, कि आखिर भाई ये जितना हम बहाली निकाल रहे हैं, बात सही भी है, इतना लंबा चौड़ा बहाली आज तक देश में कभी नहीं हुआ है, उस लायक इन्हें क्रेडिट नहीं मिल रहा है, जो जन समर्थन होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और आपको बता दें हम कि अभी युवा जदयू का कार्यक्रम हरेक जिलों में भी चल रहा है, और वहां से भी जो रिएक्शन, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और यही कारण है कि जदयू में एक नया चिंता है, उन्हें लग रहा था कि हम इतना बड़ा संख्या में बिहारियों को क्या चाहिए, बिहारी युवाओं का सबसे पहला प्राथमिकता नौकरी, सरकारी नौकरी, और वो मिल रहा है, वो भी हजारों हजार की, लाखों की संख्या में, बावजूद इसके जो है वो इसका, अब देखिए 2-3 जगह होता है लोगों के बीच में, सोशल मीडिया पर इसका एक रिएक्शन आता है, कोई भी जनता, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जनता के मूड को इसी तरह भांपती है कि उनके नेता कहीं जाते हैं, उनके प्रतिनिधि कहीं जाते हैं, उनके कार्यक्रम कहीं होते हैं, तो जनता का फीडबैक मिलता है, उस तरह फीडबैक नहीं मिल पा रहा है। मीन्स कहने का मतलब है ये बहाली भी जो है वो संजीवनी जो एक डालने का काम कर सकती थी पार्टी में, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, उसका ये नहीं मिल पा रहा है। और नीतीश कुमार आज तो क्लियर कर दिए कि आप लोग छापते नहीं है, बात छापने से ही सब कुछ नहीं होता है, नौकरी तो सभी लोगों को मिल रहा है। आज देखें तो बिहार के हर एक गांव से कम एक लोग को नौकरी मिला है, इतना तो निश्चित है। शिक्षक तो पक्का बने, हाँ शिक्षक बने हैं, लेकिन
क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं लग रहा है कि ये चुनाव में जो है ये वोट के रूप में आ पाएगा। एक लहर जो बनना होता है ना, नौकरी देने वाला सरकार जो कहा जाता है, वैसा बात निकल के नहीं आ पा रहा है। तो इसका दो तीन कारण हो सकता है। इसका सबसे बड़ा पहला कारण तो ये एक है कि आप ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसकी जो एक प्रचार प्रसार जो होता है वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा चीज है कि ये नौकरी जो है इसमें बहुत सारे ये भी आरोप लग रहे हैं कि नए कितने लोगों को नौकरी मिला, कितने बेरोजगार बिहारियों को नौकरी मिला, ये भी आरोप लग रहे हैं कि इसमें ज्यादातर सीटें जो है वो बाहरी राज्यों के लोग ले जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग भी जब परीक्षा सेंटर पर गए थे तो यूपी के छात्र जो है, झारखंड के छात्र, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के छात्र, बिहारी छात्रों की संख्या में कम नहीं है, ज्यादा। तो ये कारण जो है, इस कारण जो है वो फ्रस्ट्रेशन है। फिर से और इसमें कारण क्या है, के पाठक द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जितना कड़ाई किया जा रहा है, आज से 6 महीना पहले तक शिक्षक का काम बिहार में सबसे आराम की नौकरी माना जाता था, अभी बिहार में देखा जाए तो पुलिस से 1% भी कम टफ शिक्षक का काम नहीं है। आप जो है शिक्षकों के ऊपर नकेल कसने से इसका कोई संबंध आपको लगता है? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक तो रहे हैं बिहार में कि पूरा मतलब जो एक कैंपेन चला रही है सरकार नौकरी देके उसको खराब कर, आखिर वही तो तारीफ करेंगे या बुराई करेंगे ना। आखिर जो शिक्षक जो है, अब देखिए तो ये एक बातें निकल के आ रही थी, जो खबरें निकल के आती हैं उसके मुताबिक कि सरकार का ये मानना था कि के पाठक चलिए शिक्षकों पर कड़ाई कर रहे हैं, रोज नए नियम लगा रहे हैं, छुट्टी रद्द कर रहे हैं, तो इससे जो है आम जनमानस खुश होगा क्योंकि उनके बच्चे को पढ़ाई अच्छी मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज जो है बिहार में देखा जाए तो हर एक घर में कोई ना कोई शिक्षक है, जान पहचान या फिर रिश्तेदार, कोई ना कोई शिक्षक है, और सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह कड़ाई की जा रही है। कड़ाई में आप नए शिक्षकों का ही देख लें, कहा जा रहा है कि गांव में आपको रहना है, गांव के 15 किलोमीटर के बगल में घर लेना है, आपको इतने घंटे क्लास लेना है, आपको धूप नहीं सेकना है, बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। तो ये जो नौकरी जो है ना, ये टफ होते जा रही है उनके लिए। और तरसने वाले मतलब किसी भूखे आदमी को आप खाना दीजिए, अब वो खाना खाने लायक नहीं रहे तो उसका रिएक्शन क्या होगा? तो ये आप समझ सकते हैं ना कि अब इसमें जो है महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में हैं, गांव सुदूर इलाकों में उनकी पोस्टिंग, सबकी पोस्टिंग भी कर दी गई, सैलरी भी दे दिया गया, लेकिन ये जॉब का नेचर इतना टफ है कि लोग ही कह रहे हैं कि तो छोड़ना पड़ेगा, इतना कुछ ना कुछ तो रियायत देना पड़ेगा ना आपको कि हाँ भाई 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप पढ़ने दें, छुट्टियां दे जो छुट्टी है। फिर से है कि अब जैसे कि इसमें कहा गया है कि नहीं, हर एक शिक्षक को जो है कम से कम इतना क्लास लेना है, भाई क्लास के लिए प्रधानाध्यापक जो है वो क्लास के हिसाब से क्लास देंगे ना। कहते बहुत सारा चीज जो कढ़ाई किया गया है उसमें ढिलाई की जरूरत है। तो आप नौकरी भी दे रहे हैं, देखिए दो तीन फ्रंट है इसमें जहां पर सरकार को उतना ये नहीं मिल पा रहा है। एक तो है कि आपने डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में बाहर के लोग बहाल हो गए हैं, तो हाँ बिहारी छट गए हैं। तो क्या हो रहा है यूपी में, तो है कि बिहार नौकरी खूब दे रहा है लेकिन बिहार में ये चीज नहीं है। फिर से है कि बहुत बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक बहाल हो गए जो कि ऑलरेडी पहले से बहाल थे। फिर से है कि बहुत सारे लोग जो है दूसरे नौकरियों में थे, दूसरे राज्य में या केंद्र की सेवा में, उनको काफी कम समय दिया जिसके कारण वो ज्वाइन नहीं कर पाए। और आप जब नौकरी के दम पर जब सोच रहे हैं कि हम लुभाने का, तो भाई आप 8 लाख 10 लाख लोग फॉर्म भर रहा है और नौकरी हो रहा है 90,000-95,000 लोग को ही, और बड़ा संख्या में जब नौकरी हो जा रहा है तो एक बड़ा संख्या में लोग जो है हर एक गांव में थोड़ा सा होता है ना कि चिढ़ने वाला और थोड़ा सा डाह वाला स्थिति आ जाता है। तो फ्रस्ट्रेटेड लोग भी उतने हैं, तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरे ये सेटिंग है, हुआ कुछ नहीं है, परीक्षा बहुत ईमानदारी से हुआ है। लेकिन गांव-गांव में एक जा रहा है कि एक होता है ना कि आप सेटिंग की बात कर रहे हैं, अभी बीपीएस एसएससी के पेपर आउट होने का भी मामला सामने आया, वो भी एक आक्रोश का कारण है। देखिए और 5 लाख के आसपास फॉर्म भरे थे, सभी गुस्से में होंगे अभ्यर्थी। देखिए दरोगा में तो पेपर लीक का तो फोटो आया है बाहर, ये एग्जामिनेशन से पहले कोई पेपर लीक अभी तक सबूत नहीं मिला है, नहीं तो अभी तक तो छात्र आंदोलन होते ही रहता, पेपर कैंसिलिंग किया जाता। लेकिन आप देखिए कि 21,000 से अधिक बिहार में सिपाहियों का बहाली हुआ, होने के लिए परीक्षा हुआ, उसका पेपर लीक कर गया,
पेपर लीक किया आपने, एसआईटी बनाया लेकिन अभी तक गुनहगार नहीं पकड़े गए, दो ढाई महीने हो गए। फिर से देख लीजिए दरोगा का ही परीक्षा का बात कर रहे हैं कि अगर इसमें कट ऑफ हाई चला जा रहा है तो जो अभ्यर्थियों का नहीं होगा सिलेक्शन वो तो सीधा यही कहेंगे कि सरकार पेपर आउट करा कर हमको छांट दी, उनमें फिर एक अलग गुस्सा उपजेगा। देखिए ये यहाँ पर तरह तरह का ये निकलता है, देखिए प्रूफ कोई नहीं है किसी के पास। अब कट ऑफ ज्यादा चल गया इस पर भी लोग बोलते हैं कि झोल हो रहा है, जबकि तैयारी करके लोग जा रहे हैं। बीपीएससी का परीक्षा जो है वो काफी अच्छे तरीके से हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन एक जो बिहार में आयोगों का इतिहास रहा है ना, जो कलंकित रहा है आयोगों का, यहाँ भर्ती एजेंसियों का इतिहास, उसे धोने में इतना आसानी अभी नहीं हो, उसमें धोने में समय लगेगा। परसेप्शन बन गया है, जो लोग मानते हैं कि ना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ ही होगा, मेरा नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ, मेरे बेटे का नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ ही होगा। और बीपीएससी को छोड़ के बाकी सब में ऐसा होता भी है। अब आप देख लेना दरोगा की परीक्षा, खुलेआम लोग बोलते हैं कि इतना देने पर ही दरोगा कोई बनता है, आम लोगों की भाषा में है। और कल जो हम लोग को गांधी मैदान में एक लड़का मिला था, उसका नाम हम लोग नहीं रखेंगे, वो 0.2 बता रहा था, छटा था, और उसे पैसा मांगा गया था, रिकॉर्डिंग था, वो तो प्रूफ दिखा रहा था। वो तरह तरह की बातें आती हैं, तरह तरह के लोग हैं जो कि क्यों नहीं लगाएंगे आरोप। बताइए यहाँ के परीक्षाओं में आप पारदर्शिता रखते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, अगर बीपीएससी को छोड़ दिया जाए तो दरोगा के परीक्षा में क्या है? जो बिहार में आयोगों का इतिहास रहा है ना, जो कलंकित रहा है आयोगों का, यहाँ भर्ती एजेंसियों का इतिहास, उसे धोने में इतना आसानी अभी नहीं हो, उसमें धोने में समय लगेगा। कम नंबर था या परीक्षा में अपीयर नहीं हुए थे, उनका सिलेक्शन हो गया। और देखिए छात्र सही बोल रहे हैं या गलत, उनकी बातों को हम तब तक नहीं काट सकते हैं जब तक कि आयोग के द्वारा कोई प्रूफ नहीं दिया जाएगा। आप क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं, आप एंसर की नहीं जारी करते हैं, आप प्राप्तांक नहीं बताते हैं, आप आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं, जब कुछ आप दीजिएगा ही नहीं। बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय ने कहा ना उस दिन अपने पीसी में कि जितना ज्यादा आप ट्रांसपेरेंसी रखिएगा भ्रष्टाचार के की संभावना उतना ही कम होती है, लेकिन जितना आप कम रखिएगा उतना ही ज्यादा होता है। तो वही हो रहा है। अगर वो कैसे मान ले कोई कि यहाँ के भर्ती आयोग जो है बीपीएससी को छोड़कर वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कैसे मान ले? आप कुछ भी देते नहीं है छात्र को, एक एडमिट कार्ड के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो ये बात नीतीश कुमार को समझ नहीं आ रही है। आप तो इतना फ्रस्ट्रेटेड है, मीडिया पे गुस्सा निकाल दे रहे हैं, इस पर नीतीश कुमार को कुछ करना चाहिए। अब पता नहीं उन्हें पता है कि नहीं पता है ये सब चीज, लेकिन ये तो पता तो होगा ही, क्योंकि पटना की सड़कों पर कितना बार लाठीचार्ज, धरना प्रदर्शन, इसी को लोग छात्र नेता दिलीप भी कर चुके हैं ना, गिरफ्तारी भी हो चुकी है, पूरा सारा मीडिया उसे कवर किए हुए है, हेडलाइन बना हुआ है ये सब चीज। तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं पता है। तो ये सब जो चीज है ना, क्या होता है कि आप अगर 5,000 लोग को नौकरी देते हैं और उस परीक्षा में 5,00,000 लोग शामिल हुए हैं, तो 4,50,000 लोग आपके विरोधी हो जाते हैं कि ये लोग जो है अपना सेटिंग गेटिंग से अपना नौकरी किए हुए हैं। तो ये चीज है ना, देखिए आप बहाली नहीं, कहा था न्याय के साथ आप बहाली जब तक नहीं कराइएगा, मीन्स कहने का मतलब है कि आप इतने बड़े स्तर पर बहाली निकाले, लेकिन बहाली में जो जैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर छात्र चिल्लाते रह गए, लेकिन यहाँ पर वेटिंग लिस्ट को लेकर कोई प्रावधान ही नहीं है। आप 1,22,000 जो था सीट पहले TRE1 में, उतना पर बहाली करवा देते, वेटिंग लिस्ट जारी करके करवा देते, तो ये फ्रस्ट्रेशन नहीं रहता। तो आप हुआ क्या इसमें कि बिहार के जो बेरोजगार युवा हैं उनका बहुत ही कम मात्रा में चयन हुआ है। उनका देखा जाए तो उनका जो चयन है वो 25-30,000 से अधिक नहीं है जो बेरोजगार रहे हो, बिहार के बेरोजगार युवा, दूसरे राज्य के और नियोजित को अगर छोड़ दे तो हम तो बहुत कम है। और इतना तो पहले ही नियोजन केंद्र में बहाली होता था, इससे ज्यादा होता था। तो यही कारण है कि यह ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, समझ रहे हैं ना। नीतीश कुमार सारा दोष हम लोग पर करते हैं कि भाई मीडिया जो है आप दिखाइएगा थोड़े, आप पे तो कोई और कब्जा किए हुए है। और एक बात आप नोटिस कीजिए आदेश जी, कि ये पहली दफा नीतीश कुमार मीडिया पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक हो, कहीं भी नीतीश कुमार जाते हैं तो मीडिया पर थोप देते हैं कि आप लोग हमको थोड़े दिखाइएगा, मेरा काम थोड़े आप लोगों को दिखता है, आपको तो बस केंद्र वाला कब्जा। देखिए केंद्र वाला कब्जा की बात नहीं है, इससे यही लगता है कि जो उनके सलाहकार है वो बिहार से बाहर देखते ही नहीं है कि बिहार से बाहर के राज्यों में क्या चल रहा है। केवल सरकारी नौकरी, वो भी आप लोगों में यह भी है कि इलेक्शन के चलते दिया जा रहा है,
ये तो रेगुलर होना चाहिए ना। आप जो है बताइए, आप इसी साल क्या होगा कि नया शिक्षक नियमावली लाए, किसी आप शिक्षक से बात नहीं किए, बाद में भी बात नहीं किए, नियमावली को आप इम्प्लीमेंट कर दिए, नियोजित जो पहले से नौकरी कर रहे हैं 10-12 साल से जो शिक्षक, उनको भी कह रहे हैं कि आपको राजकर्मी बनना है तो परीक्षा पास करना पड़ेगा। आप परीक्षा का डेट घोषित कर रहे हैं, उसी दौरान एसटीईटी जो है वो 5-7 साल बाद एक ला दे रहे हैं, एक महीना में एसटीईटी परीक्षा की प्रक्रिया पूरा कर दे रहे हैं, फिर से उसके बाद वो खत्म हुआ कि नहीं दूसरा टीआरई ला दिए आप। एक मैनेज्ड वे में नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पैसा फेंको तमाशा देखो वाला, उस तरह नहीं होता है बहाली। लोग जो है फ्रस्ट्रेट थे, लोगों को मौका नहीं मिला यहाँ के लोगों को परीक्षा देने का। इतना बड़ा बहाली निकाले आप, लेकिन बहुत सारे लोग बेरोजगार के बेरोजगार रह गए इसमें, डिग्री होने के बावजूद भी। तो ये सब जो है ना, ये सब सरकार को, इस सरकार के इस काम को पब्लिसिटी देने के बजाय इनको डिफेम कर रहा है। आज जो है शिक्षक बहाली के कारण बहुत लोग गुस्सा भी है इस सरकार से कि इस तरह बहाली नहीं चलती है। बहाली प्रॉपर वे में आप एक साल में नहीं निकालिए 2-3 लाख, छात्र ही कहते हैं 10,000 ही निकालिए, हर एक साल निकालिए आप, निश्चित समय से निकालिए आप। 10 साल का 10, अगर 10,000 सीट निकालते हैं तो 10,000 सीट पर भर्ती सुनिश्चित करवाइए, ये छात्रों का कहना है, जो कि नहीं हुआ। ये हड़बड़ी में काम किया गया है, ये अपने एक फायदे के लिए काम किया गया है, ये मैसेज लोगों में गया है, जिसके कारण इतनी बड़ी बहाली होने के बावजूद भी सरकार को इसका क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। और ले देकर शिक्षकों की जो बहाली जो है फ्रेश, जो कहा था ना बेरोजगार डिग्रीधारी युवा, उनको उतना ही नौकरी मिल पा रहा है जितना नियोजन केंद्रों में पहले मिल पा रहा था, ले देकर यही है। बिल्कुल, और इसका सीधा परिणाम नीतीश कुमार के चेहरे पर दिखा, नीतीश कुमार के बयान में दिखा, जब उन्होंने इस बात को कह दिया, मीडिया के सामने कह दिया, गच लिया इस बात को कि हमारे बहालियों को आप नहीं दिखा रहे हैं। मतलब जदयू के अंदर इसको लेकर चर्चा जरूर हुई होगी, सीएम नीतीश तक बात पहुंची होगी। तो आपका जो इस पर प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।